क्या आप इम्मी खान को बीट नहीं कर सकते? मैं लिख के देने को तैयार। बहुत अच्छा लग, अच्छे लगते हैं वो। नहीं, अच्छा लगना नहीं है, मुझे खौफ आता है। You have faith in हाँ, मुझे खौफ आता है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्योंकि हमने करके देख लिया क्रिकेट में, करके देख लिया, और 92 वर्ल्ड कप से ज्यादा एग्जाम्पल किसी के है नहीं, क्योंकि हम हार रहे थे, एक इंसान कह रहा था कि हम जीतेंगे क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बनना है। सो फिर हम आते थे कि कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे, फिक्र ही ना करो, फिक्र ही ना करो, जीतेंगे जीतेंगे, जैसे कि अभी पॉलिटिकल टोन है उनकी कि फिक्र ही ना करो, पाकिस्तान में ठीक करके दूंगा। सो एंड में फिर हमने सोचा कि आई थिंक आई बिलीव दैट वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये जितनी पॉलिटिकल आप जो मर्जी एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई है जी, ये चीखें निकल गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, मेरे आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है एक तरह से, ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपको हजार में से हजार दफा गलत प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नियत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड ब्लाक इंटेलिजेंस है इनमें। सो ये अगर तीनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर रोकना मुश्किल है। आपने अपना क्या गोल बनाया फ्यूचर का? मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जाके ना कॉलेजेस में थोड़ा सा पेप अप टॉक्स दूं, यू नो, यूथ को थोड़ा इन्विगरेट करूं, कोई उनको बताऊं कि मुकाम हासिल करने के लिए क्या करना है, और आप वेट ना करें कि गवर्नमेंट से आपको नौकरियां दें, आप खुद से खड़े हों, बिजनेसेस की तरफ जाएं, कॉर्नर शॉप्स खोलें, कुछ करें, चार लड़के मिलके करें, कुछ भी करें, अपने जो हालात है ना अपने हाथ में रखें। ये जो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन, कोई आएगा और आके आके करेगा, या मेरी एक नौकरी लगी हुई है, प्लीज यार उसको ना छेड़ो, उसको ना छेड़ो। असल में जब तक कि आप ये फ्री नहीं होंगे, खुद अपना लीडर है, सो वो योर ओन लीडर। हाँ, सो वो जो आपकी लीडरशिप के कीड़े और एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और एक कर दो जी कि हम ये करेंगे, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, और मुझे अपना जो है खुद लीडर बनना है, अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना है, और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आप जाए ठोकर खाएंगे, आप फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आप What keeps you going? I think मुझे यही है कि मुझे अब खूब से खूब कर की तलाश है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, एक सोशल मीडिया एक मेरे लिए चैलेंज है, सो मैं अब इसमें और बढ़ना चाहता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, कमेंट्री में और अच्छा करना चाहता हूँ, मे बी कोचिंग की तरफ निकल जाऊँ, हू नोज अगले 5 सालों में। सिनेमा है, आर्ट है, कल्चर है, इसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, यू नो, इसी तरह से कुछ चीज नहीं तो लिखना शुरू किया है कि मैंने इस तरह की कहानी बनानी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा कीन हूँ, तो आपने मुझे मिलाना है एक स्क्रिप्ट राइटर। हाँ बिल्कुल मिलाऊंगी, बिल्कुल मिलवाऊंगी। सो मुझे मुझे ये करना है, मुझे जिंदगी में ठीक ठाक पंगे लेने हैं। हाँ, इससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे जो डर नहीं लगता, नहीं डर लगता मुझे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने ना किया तो मैंने जिंदगी जाया की है। अच्छा। सो वो अगर, और इस वक्त मेरे बस में भी हैं चीजें और मौका भी है, सो मैं इसको जाया नहीं करना चाहता। माफ कर देते हो लोगों को? और जिन्होंने फिक्सिंग की है उनको नहीं। हाँ। उनको नहीं, और इसलिए कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 10 लड़के मैच जीत रहे हैं पाकिस्तान के लिए और एक लड़का मैच हरा रहा है, तो आप सोचे ना कि क्या हाल होता है। सो मेरे लिए वो नाकाबले माफी इसलिए है कि बड़ी छोटी सी क्रिकेट फिटर्निटी है और ब्लैक एंड वाइट में चलती है, ये कोई माशरा नहीं है कि जहाँ पे इस्लाह हो के आप वापस किसी को ले आएंगे, क्योंकि 200 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये कोई अरबों खरबों की है नहीं है सोसाइटी। तो ये, और आपने गलती की, आई एम सॉरी, ये गलती की वापसी की गुंजाइश नहीं है। सो इस लिहाज से मैं बहुत ही एडमेंट हूँ और बहुत ही सख्त हूँ, क्योंकि जिन्होंने खेला हुआ है ना पाकिस्तान के लिए, ये आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे जो कि नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ये माफ़ी तलाफी कर देते हैं कि जी कोई बात नहीं, उसने माफ़ी कर दी, उसने माफ़ी मांग ली, उसको सज़ा हो गई, अब वापस उसको ले आते हैं। ये एक गलत प्रेसिडेंट है, और ये कभी भी जो लड़के साथ खेले हुए हैं वो कभी ये चीज़ माफ़ नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान और अपनी टीम के साथ गद्दारी की है, यू आर नॉट ए टीम प्लेयर। सो बाकी मैं माफ कर देता हूँ, इसलिए कि, और माफी मांग लेते हो? हाँ, माफी भी मांग लेता हूँ, अपोलोजाइज कर देता हूँ, सॉरी बहुत जल्दी कर देता हूँ कि माय फॉल्ट। व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी? डिफरेंट तरह से है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज अच्छी खा ली मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी। डू यू कुक? मैं नहीं, मैं सिर्फ अंडा वंडा बना लेता हूँ ब्रेकफास्ट में, बट अच्छा खाना शौक है। हाँ, इसलिए कि मेरी जो बीवी है वो
उसकी दिल्ली के फैमिली है तो हिंदुस्तानी बैकग्राउंड है ना, तो वो तो मैं जब रिश्ते के लिए गया ना तो इसकी वालदा ने चाय, क्योंकि वो दिल्ली की में पैदा हुई थी, सो चाय आई, चाय आई, चाय बनने में लिटरली समी ना कोई 15 मिनट लगे, क्योंकि पहले वो कप्स गर्म हुए, उसके बाद वो पानी जो था उबलता हुआ था, फिर वो फेंका गया, वो चाय जो है अच्छा, वो फिर उसके बाद टिकोजी पे उतनी देर चाय रही, उसके बाद चाय पड़ी और गर्म दूध आया, फिर वो आया, फिर वो फिर प्याली में आई और दूध ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो जब मैं खाना खाता था मेरे सर पे खड़ी हो जाती थी कि ठीक पका है ये, क्या है दाल, मतलब है दाल खाने में भी जो था ना वो था कि आधा दिन लग जाता था, तरद्दुद, तरद्दुद बहुत था, सो वो उस लिहाज से फिर वो अब तो मैं यूज टू हो गया हूँ, मैं रिकॉर्ड भी लगाता हूँ क्योंकि मैं उनको तौड़ा तौड़ा कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार क्या तुम्हारे मम्मी याद आ गई यार, क्या खाना बनाया तुम लोगों ने, सो तो मेरी आदत उन्होंने डाल दी, सो खाना ठीक ठाक, मुझे खुशी होती है छोटी चीज़ों के ऊपर, अपनी टीम में कोई मुझे बैट्समैन मिल जाए उसकी मुझे बड़ी खुशी होगी, अभी तक वो बैट्समैन उसने बाबर आजम है एक ऐसे प्लेयर, आप नाम याद रखें वो सुपरस्टार बनेंगे, सो उनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए कि जो मेरा प्रोफेशन है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा करती है तो इज्जत होती है, फिर ये कि दोस्त के साथ तो बाहर जाना मुझे अच्छा लगता है, यू नो गाना गाना बहुत अच्छा लगता है आपस में बैठ के जैसे तो म्यूजिक, जब बेटे को गोद में उठाया था दोनों को, हाँ मुझे तब छोटे को उठाया था, बड़े को तो खैर बड़ा हाँ वो था नहीं मैं, मगर मुझे तो यकीन नहीं आया, मैं कहा इतना सफ़ेद मेरा बेटा, सो पहले तो ये था, तो वो मेरी बीवी ने माइंड किया कि मेरा रंग ठीक ठाक है, बट वो तो हम उसको छेड़ते हैं कि फारी तुम्हें इंग्लैंड में कोई भी तुम पे रेशियल अटैक नहीं हो सकता क्योंकि तुम लगते ही जॉर्ज हो, सो बट फैमिली में रहना बेटों के साथ बात बात करना हाई होता है हाउ ये, डू यू गिव योर टाइम, किस तरह क्या किस तरह वक्त देते अब ये हो होता है कि और जब क्या करते हो उस हम, मैं वक्त? असल में इनको शौक है ट्रेवल का भी, सो होता ये है कि इंग्लैंड में हमारा ज़्यादा टाइम अब गुजरता है, जैसे ही मैं आता है तो ये, क्योंकि अब किसी की कोई नौकरियां हैं नहीं ना, मेरी है, मेरी नौकरी तो है नहीं, वो इंटरनेट पे मुझे नौकरी मिलती है, मैं आगे चला जाता हूँ, सो पढ़ाई भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है बच्चों की, सो हम 3-4 महीने इंग्लैंड में रहते हैं, फिर टूर के ऊपर ये आखिरी पार्ट में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी साउथ अफ्रीका था, केप टाउन बहुत पसंद आया इन्हें, सो अक्टूबर में शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, सो इस तरह से ये लोग ट्रैवल करते हैं, बट जब इकट्ठे होते हैं तो हम भरपूर टाइम गुजारते हैं, फिर मजाक भी होता है, बाहर भी खाने जाते हैं, सब प्रीटी हैप्पी दैट वे, गेम्स खेलते हैं आपस में? गेम्स ज़्यादा नहीं खेलते, मतलब मेरा है कि कार्ड्स खेल लिए तो खेल लिए, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी जब ऐसे टूर्स वगैरह पे होते हैं ना तो टाइम किल करने के लिए ज़रूर करते हैं, कभी रोया? नहीं रोया नहीं हूँ मैं एज सच, नहीं उस लिहाज से मैं खासा स्ट्रांग हूँ, इसलिए कि अच्छा हेड अच्छा ऑन लेता हूँ, आप समझते हैं कि अगर आप रोएं तो आप कमजोर हैं? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोना जो है वो आपकी स्ट्रेंथ में नहीं कंसिडर होती, शायद होती हो कई लोगों के लिए, बट जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट था मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ और उसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक वीक मोमेंट था, और वो था जब मैं रिटायरमेंट के लिए मैं खेल रहा था टोरंटो का टूर्नामेंट, सो उसमें जो है मुझे अब डिसाइड करना था और मैंने घर भी नहीं बताया था, सो उनकी एक बहुत बड़ी टोरंटो में जो आई थिंक लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है, मुझे नाम भूल रहा है, कोई 2-3 मील लंबी है, सो वो मैंने कम से कम 5 घंटे वॉक की, और राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, सो मैं प्रोज एंड कॉन्स तोल रहा था कि क्रिकेट छोड़ी तो क्या होगा, खेलता रहूं खेल सकता हूं, इज्जत के साथ नहीं खेलूंगा, फिर अंदर बाहर होना शुरू हो जाऊंगा, इस उम्र में मुझे नहीं चाहिए कि मैं यू नो रिजर्व्स में चला जाऊं, सो वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, मगर एक दफा डिसीजन जब ले लिया फिर मैं सुखी हो गया, फिर देन लाइफ मूव्स ऑन, सो उस लिहाज से जो है मुझे कोई खास रिग्रेट्स नहीं हुआ, So रोया you नहीं, and you've never cried. आई हैव नेवर क्राइड, जिंदगी क्या है? जिंदगी जो है वो एक एक स्ट्रगल है और अच्छी स्ट्रगल है, आई थिंक पॉजिटिव में वे में लें तो आपको हर साल अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए, मैं वो रोबोटिक नहीं हो रहा हूँ बट यू नो कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मेरी कमेंट्री जो है वो पहले से अच्छी हुई है या ख़राब हुई है, और ये न्यू ईयर्स ईव पे असेसमेंट होती है या नहीं? नहीं होती आई थिंक खुद ही करते हैं आप न्यू ईयर या इट कैन बी एनी टाइम ऑफ द ईयर? एनी टाइम ऑफ द ईयर, अच्छा, एनी टाइम ऑफ द ईयर, मतलब मेरा हर ट्रिप के बाद कुछ आप लोगों कर का होता सकते है ना वो हैं, न्यू ईयर हाँ रेजोल्यूशन नहीं नहीं बना नहीं के। नहीं मैं अपने आप को वैसे ही असेस करता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस की असेसमेंट है, अब मुझे 1 महीने में
10 किलो वजन कम करना है एंड आई विल डू इट, मैं आपको बताता हूँ सीरियसली, इसलिए कि इस लिहाज से मेरी रिजॉल्व बड़ी स्ट्रांग है और शायद इस वजह से ही मैं ब्लिंकर्स ऑन करके काम करता हूँ। सो मुझे आप अगर कह देना कि तुमने 10 घंटे गाड़ी चलानी है और वहाँ जाना है, और अगर मैं और आपका ये मामला तय हो गया तो मैं 10 घंटे गाड़ी चला के जाऊँगा। सो इसी तरह से जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो फिर ब्लिंकर्स ऑन करता हूँ।